छात्रों, आज हम जिस महान व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद शब्द में ही विवेक है, मतलब अच्छे गुण वाला व्यक्ति विवेकानंद कहलाया। देखिए, यह जो स्वामी विवेकानंद है, वो अमेरिका में गए, शिकागो में गए और वहां जाकर अपने हिंदू धर्म के बारे में वहां जाकर प्रचार किया, वहां अपने धर्म के बारे में महत्व बताया। तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में तभी तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, मशहूर हो गए। तो देखिए, आज हम उनके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं, उनके बचपन के बारे में देखने वाले हैं, उनके माता पिता के बारे में देखने वाले हैं, उनके शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका इस्तेमाल उन्होंने किस तरह से किया, इसके बारे में इस पाठ के द्वारा हम देखने वाले हैं। तो पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। देखिए, यहाँ पर मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको स्पष्टीकरण देंगे। भारत के महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुखता से दिया जाता है। उन्होंने भारत के धर्म एवं दर्शन को विश्व भर में ख्याति दिलाई, देश में लोक सेवा के अनेक कार्य किए। उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है। इस पाठ में उनके जीवन एवं कार्यों के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, पहले ही शुरुआत में ही उनके बचपन की एक कहानी बताई है और उससे वो कितने होशियार थे, कितने बुद्धिमान थे, इसका दर्शन यहाँ पर किया है। तो देखते हैं, एक बालक को कहानी कहने का शौक था। उसकी वाणी और कहानी कहने का ढंग इतना आकर्षक था कि सहपाठी अपनी सूझबूझ छोड़ देते और उसकी कहानी सुनते रहते। एक दिन वह सहपाठियों को कहानी सुना रहा था। सभी बालक कहानी सुनने में मग्न थे। उनको पता ही नहीं चला कि शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, ये जो बालक है, इसको कहानी सुनाने का शौक था और वो इस तरह से कहानी सुनाता कि जो सामने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो मग्न हो जाए। देखो, आकर्षक कहानी कहने का इतना उनका ढंग जो था, वो इतना आकर्षक था। आकर्षक का मतलब क्या है? देखिए, दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला। उनकी कहानी सुनने के लिए इतने जो बच्चे हैं, सामने बैठने वाले जो बच्चे हैं, वो इतने मग्न हो जाते उनकी कहानी सुनने के लिए। देखिए कि सहपाठी अपनी सूझबूझ छोड़ देते और उसकी कहानी सुनते रहते। वो सहपाठी जो है, सहपाठी का मतलब क्या है? साथ पढ़ने वाला। सहपाठी का मतलब है साथ में पढ़ने वाला। उनके जो मित्र हैं, वो उनकी कहानी सुनते रहते, सूझबूझ अपनी छोड़ देते, मग्न रहते। एक दिन वह सहपाठियों को कहानी सुना रहा था। जो बालक है, वो अपने मित्रों को, अपने साथ पढ़ने वालों को कहानी सुना रहा था। कहाँ थे वे? सब कक्षा में थे। सभी बालक कहानी सुनने में मग्न थे। मग्न का मतलब क्या है? देखिए, मग्न यानी लीन। मग्न का मतलब क्या है? लीन थे, वो कहानी सुनने में मग्न थे। उनको पता ही नहीं चला कि शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। कुछ देर बाद जब शिक्षक ने पुसपुसाहट सुनी, तो वे समझे कि कुछ बालक वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप का मतलब क्या है? बातचीत। शिक्षक को पता चला, पुसपुसाहट सुनी शिक्षक ने, तो शिक्षक को पता चला कि कक्षा में कुछ बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं। तब देखिए, उन्होंने उन्हें डांटते हुए एक एक करके सभी विद्यार्थियों से पाठ के बारे में पूछा। एक विद्यार्थी को छोड़कर कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। कक्षा के जितने भी विद्यार्थी थे, उतने वो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। जब शिक्षक ने प्रश्न पूछा, सिखाए गए पाठ पर प्रश्न पूछा, तब किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक ही विद्यार्थी ऐसा था जिसने उत्तर दिया। उत्तर देने वाला विद्यार्थी वही था जो कहानी सुना रहा था। अब देखिए, कहानी सुना भी रहा है और अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर भी वो लड़का दे रहा है। उत्तर देने वाला विद्यार्थी वही था जो कहानी सुना रहा था। उसकी खूबी यही थी कि वह एक साथ कई स्थानों पर ध्यान लगाने की क्षमता रखता था। देखिए,
उस बच्चे में एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी वो देखिए कि एक समय पर कई जगहों पर वो एक साथ ध्यान लगाने की क्षमता उसमें थी। एक उसकी खूबी यही थी कि वह एक साथ कई स्थानों पर ध्यान लगाने की क्षमता रखता था। शिक्षक ने गड़क कर पूछा, इतनी देर से कौन बातें कर रहा था? अन्य विद्यार्थियों ने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी उसने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को छोड़कर सभी को खड़े रहने का दंड दिया। देखिए, जब शिक्षक ने पूछा कि कौन बातें कर रहा था, तभी जो सहपाठी थे उस बालक के क्या करने लगे कि उसकी तरफ इशारा करके बोलने लगे कि यही बच्चा बातें कर रहा था। तब शिक्षक को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, उस बालक को छोड़कर सभी को खड़े रहने का दंड दिया। सभी को खड़े रहने के लिए कहा। तो देखिए, सभी के खड़े होने पर वो बालक भी खड़ा हो गया। शिक्षक ने कहा, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं। देखो, शिक्षक को तो उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि ये बालक अगर उत्तर दे रहा है तो ये बात नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास उन शिक्षक का था। पर देखिए, वो बालक भी इतना प्रामाणिक था कि उसने क्या कहा कि मैं ही बातें कर रहा हूँ और मैं खड़ा रहूंगा। शिक्षक ने कहा कि तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने सही जवाब दिया है। बालक ने कहा, मुझे भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं ही बातें कर रहा था। वो बालक जो था वो बहुत प्रामाणिक था और वो कह रहा था कि मैं ही बातें कर रहा था और मैं खड़ा रहूंगा। जो शिक्षा है वो मुझे मिलनी चाहिए। शिक्षक को बालक की दो स्थानों पर एक साथ ध्यान लगाने की क्षमता पर बहुत आश्चर्य हुआ। देखिए, जो विशेषता उसमें थी, उस बालक में थी, उसके ऊपर इस शिक्षक को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक साथ दो स्थानों पर एक साथ ध्यान लगाने की क्षमता पर उस शिक्षक को बालक पर आश्चर्य हुआ। तो देखिए, यहाँ पर जो आकर्षक, सहपाठी और मग्न, इनके जो अर्थ है इस परिच्छेद में आए वो देखिए। आकर्षक का अर्थ है दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला। वो जो बालक है वो किसका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था? उन सभी सहपाठियों का। सहपाठी का मतलब क्या है? साथ में पढ़ने वाला। और मग्न का मतलब क्या है? लीन। सभी बच्चे उसकी कहानी सुनने में मग्न थे। देखिए अगले परिच्छेद में, इस बालक का, जो बालक कहानी सुना रहा था उस बालक का नाम क्या है? देखिए, इस बालक का नाम था नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुआ। देखिए, यह जो बालक था नरेंद्र, वो बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगा रहता था। पूरे विचार उसके थे वो आध्यात्मिक थे और इसी कारण उसमें कुछ अच्छे गुण आ गए थे। बचपन से ही वो इतना होशियार था कि उसको देखकर ही वो पता चलता था। तो देखिए, ये जो विवेकानंद उनको नाम बाद में मिला वो इसी कारण कि उनकी बुद्धिमत्ता और उनके जो गुण थे, अच्छे गुण थे, इसी कारण उनको ये नाम दिया गया। आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में वो प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को उत्तरी कोलकाता के सिमला नामक मोहल्ले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिमला नामक मोहल्ले में। कब हुआ था? 1863, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। देखिए, इनके माता पिता के नाम के बारे में जानकारी दी है। पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। देखिए, विवेकानंद, अब यहाँ पर हमने देखा कि उनके बचपन की कहानी के बारे में। बचपन में उनमें कौन कौन से गुण थे, कितने होशियार उनमें थी, वो अपने कक्षा में जब वो बच्चों को कहानी सुना रहे थे, वहाँ आपने देखी,
हमने इस परिच्छेद के परिच्छेद में देखा। अब हम उनके शिक्षण के बारे में जानकारी लेंगे। विवेकानंद ने सन 1879 ईस्वी में कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए इनके शिक्षण के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। विवेकानंद ने सन 1879 ईस्वी में कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात जनरल असेंबली कॉलेज से सन 1881 ईस्वी में एफए तथा सन 1883 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास की। वे बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे, जिसे हम अभी ग्रेजुएशन कहते हैं। वो उन्होंने बीए और एफए कब पास की? 1881 से 1883 ईस्वी में वो बीए हो गए। वे बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। कुशाग्र का मतलब देखिए, कुशाग्र यानी कुश की नोक जैसा तीक्ष्ण, तेज या प्रखर, बहुत तेज और प्रखर उनका दिमाग था और इसी कारण उनको विवेकानंद कहा जाता था। उनके बारे में कॉलेज के अध्यापक विलियम हेस्टी कहा करते थे, नरेंद्रनाथ सचमुच ही एक जीनियस है। नरेंद्रनाथ क्या है? सचमुच ही एक जीनियस है। जीनियस का मतलब क्या है? कुशल, तेज। मैं बहुत स्थानों पर घुमा हूं, परंतु इसके जैसी बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कहीं नहीं देखी। देखिए एक अध्यापक उस कॉलेज का, यहाँ पर वो पढ़ते थे, उस कॉलेज का अध्यापक कह रहा है कि ऐसा विद्यार्थी मैंने अभी तक देखा ही नहीं। इतना वो बहुमुखी प्रतिभा वाला और अति बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति विवेकानंद थे। तो यहाँ पर उनके शिक्षण के बारे में जानकारी दी है इस परिच्छेद में। अब उनके आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता करते हैं। देखिए वो बचपन से ही आध्यात्म की ओर खींचे जाते थे। जब उनको कहीं साधु नजर आए तो उनके पीछे पीछे दौड़ना, गंभीर ध्यान में लग जाना, ऐसे वो अपने बचपन में करते थे। देखते हैं इस परिच्छेद के द्वारा। विवेकानंद साधारण बालक नहीं थे, वे बचपन में खेलते खेलते ही गंभीर ध्यान में डूब जाते थे। बचपन में ही उनको यह आदत थी कि गंभीर ध्यान में वो डूब जाते थे, ध्यान लगाते थे। साधु संन्यासियों को देखते ही अनजाने आकर्षण से दौड़कर उनके पास चले जाते थे। उनकी एक आदत थी, साधु संन्यासियों को जब वो कभी देखते थे तो उनके तरफ खींचे चले जाते थे। एक आकर्षण लगा हुआ होता था उनका और साधुओं का, साधु उनके पीछे पीछे दौड़ते चले जाते थे। वे क्योंकि उनको ज्ञान हासिल करना था, वो साधारण बालक नहीं थे, बहुत ही ऐसे बुद्धिमान और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने वाले बालक थे। तो देखिए साधु सन्यासियों को देखते ही अनजाने आकर्षण से दौड़कर उनके पास चले जाते थे। वे भजन कीर्तन में भी भाग लेते थे और बहुत मधुर स्वर में गाते थे। उनकी आवाज भी अच्छी थी, सब गुण थे उनमें। और देखिए वो मधुर स्वर में गाते भी थे, भजन कीर्तन यह इसमें भी भाग लेते थे और साधुओं के पीछे ज्ञान हासिल करने के लिए भागते भी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज को अपनाया और ब्रह्म समाज उनकी आध्यात्मिक भूख को शांत न कर सका। देखिए आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज को भी अपनाया, ब्रह्म समाज में भी गए। वहां उनको लगा कि यह मुझे आध्यात्मिक शांति देगा, मेरे मन को जो आध्यात्म का ज्ञान चाहिए वो मुझे इस ब्रह्म समाज से मिलेगा। पर उनको पता चला कि ब्रह्म समाज में हमें कुछ, हमारे मन को कुछ शांति नहीं मिल रही है, हमारे ज्ञान में कुछ बढ़ोतर नहीं हो रही है, हमारे ज्ञान में कुछ बढ़ावा नहीं हो रहा है। तब उन्होंने क्या किया, वो ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज को अपनाया पर ब्रह्म समाज उनकी आध्यात्मिक भूख को शांत न कर सका। उनका मन सत्य की खोज करने के लिए व्याकुल रहने लगा, सत्य की खोज करने के लिए उनका मन व्याकुल रहने लगा। तो व्याकुल का मतलब क्या है, देखिए
जयपुर का मतलब है व्यग्र, बेचैन, कोई भी ज्ञान हासिल करने के लिए बेचैन होना, इसको ही व्याकुल कहा जाता है, व्याकुल बेचैन। तो देखिए उनका मन सत्य की खोज करने के लिए व्याकुल रहने लगा। देखो हमने कभी भगवान को नहीं देखा है, पर विवेकानंद भगवान क्या है, सत्य क्या है, वो पता करने के लिए उनके मन में ऐसी कोट लगी रहती थी कि मुझे सत्य का पता होना चाहिए, हम जीवन में किस लिए आए हैं, भगवान क्या है, इनके बारे में वो जानना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा व्याकुल रहते थे, बेचैन रहते थे। काफी भटकने के बाद विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। बहुत भटकने के बाद उनको पहले ही उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज को अपनाया था। क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत थी, पर बाद में उनको पता चला कि यह मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की शांति नहीं दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। काफी भटकने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद उनको एक गुरु मिल गए, उनको उनका नाम क्या है, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उनके उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ गया वो देखिए। काफी भटकने के बाद विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। स्वामी रामकृष्ण भी विवेकानंद जैसा शिष्य पाकर अति प्रसन्न हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है वो भी स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य पाने के लिए व्याकुल थे। उनको भी ऐसा शिष्य चाहिए था जो उनके उनका आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर सके, ऐसे शिष्य की तलाश में वो भी थे, और इनको भी ऐसा गुरु चाहिए था जो उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे। तो इन दोनों की जब भेंट हो गई तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए। स्वामी रामकृष्ण भी विवेकानंद जैसा शिष्य पाकर अति प्रसन्न हुए। रामकृष्ण से मिलने के बाद विवेकानंद अध्यात्म की ओर झुकते गए। जो उनको चाहिए था वो उनको मिल रहा था, किनसे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, वो उनके गुरु थे, उनसे अध्यात्म की जानकारी प्राप्त करके वो अध्यात्म की ओर झुकते चले गए। उसमें वो बहुत गहराई में जाते गए। उनके मन में वैराग्य की भावना बढ़ती गई। वैराग्य, देखिए वैराग्य का मतलब क्या है, वैराग्य यानी सांसारिक भोगों से दूर रहने की भावना, अपने परिवार को छोड़कर, अपने सब घर के सदस्यों को छोड़कर, घर दार सबको छोड़कर उनसे दूर रहने की भावना, यानी क्या, वैराग्य। तो उनके मन में वैराग्य की भावना बढ़ती गई। संन्यास धारण करके वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हिमालय पर चले गए। देखिए हिमालय ही ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई ज्यादा बस्ती नहीं होती, ज्यादा मनुष्य नहीं होते, अकेले ही वहाँ पर इंसान जाते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। तो ऐसे सन्यासी वहाँ जाकर तपस्या करते हैं, इसलिए ये जो स्वामी विवेकानंद है वो भी आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने के लिए कहाँ पर गए, हिमालय पर गए। संन्यास धारण करके वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हिमालय पर चले गए। किस लिए गए हुए, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने के लिए हुए हिमालय पर चले गए। देखिए हिमालय पर्वत पर स्वामी विवेकानंद ने कई वर्षों तक तप साधना की। किस लिए वे गए थे, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने के लिए। तो वहां जाकर उन्होंने बहुत साल तक, कई सालों तक उन्होंने क्या किया, तप साधना की। वहां पर वो ध्यान में लगते थे, तल्लीन हो जाते थे। वहां उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। वहां हिमालय में कितनी ठंड होती है आपको पता है, तो ऐसे में उनको बहुत ऐसी तकलीफ झेलनी पड़ी, वहां जाकर अनेक कष्ट सहन करने पड़े। तो देखिए हिमालय की भयंकर ठंड में उन्हें अनेक बार नंगे बदन सोना पड़ा। उन्होंने क्या गर्म कपड़े नहीं लेकर गए थे, उनको जो भव्य वस्त्र परिधान किए थे। अब हम हिमालय पर जाते हैं तो ऐसे ही अगर चले जाए तो क्या होगा, हम ठंड से मर जाएंगे, हमारा पूरा जो शरीर है वो सिकुड़ जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया,
अपने भगवे वस्त्र जो थे उनके ऊपर उन उसको ही पहनकर वो रहते थे, मतलब वो गर्म कपड़े पहनकर नहीं रहते थे। देखिए हिमालय की भयंकर ठंड में उन्हें अनेक बार नंगे बदन सोना पड़ा, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। देखिए जो जंगली जानवर है उनका भी उनको सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफें उनको झेलनी पड़ी उस हिमालय में करना पड़ा। हिमालय से लौटकर स्वामी जी ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। देखिए जब वो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए हिमालय पर गए थे और जब उनको वो आध्यात्मिक ज्ञान हासिल हुआ तो वो फिर से कहाँ पर आए, फिर से भारत में। हिमालय से लौटकर स्वामी जी ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। देखो भ्रमण करने के लिए, सफर करने के लिए, पूरे भारत का सफर करने के लिए उन्होंने कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने क्या किया, पैदल भ्रमण किया। उन्होंने बहुत सा ज्ञान हासिल किया था और वो ज्ञान सभी में बांटने के लिए, भारत के लोगों की स्थिति कैसी है वो जानने के लिए उन्होंने क्या किया, पैदल भ्रमण किया। हर एक लोगों से मिले वो भारत के, और देखिए आगे क्या हुआ। इस दौरान सभी वर्गों के लोगों से उनका परिचय हुआ, अमीर लोगों से परिचय हुआ, गरीब लोगों से परिचय हुआ, पीड़ित लोगों से परिचय हुआ, ऐसे सभी लोगों से उनका परिचय हुआ। इससे उन्होंने जाना कि लोगों के विचार कैसे हैं, लोग कैसे रहते हैं, किनके किन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लोगों ने कैसे रहना चाहिए, इनके बारे में उन्होंने सोचा और लोगों को समझा और लोगों का परिचय दिया। देखिए उन्होंने सभी को धर्म और नीति के उपदेश दिए, जितने भी लोग उनको मिले भारत भ्रमण के दौरान, तब उन्होंने क्या किया, उनको धर्म और नीति के उपदेश दिए। स्वामी जी जहाँ भी जाते थे लोग उनकी प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व, कांतिपूर्ण मुखमंडल और चुंबकीय दृष्टि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। देखिए ये जो स्वामी विवेकानंद है उनकी जहाँ भी जाते थे लोग उनकी प्रतिभा, लोग उनकी तरफ जब देखते थे उनकी प्रतिभा, आकर्षक उनका व्यक्तित्व, कांतिपूर्ण मुखमंडल, तेजपूर्ण ऐसे मुखमंडल था उनका, और चुंबकीय दृष्टि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। चुंबकीय मतलब क्या है, देखिए चुंबकीय का मतलब है चुंबक के समान अपनी ओर खींचने वाले। चुंबक पता है आपको, जो लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे चुंबकीय दृष्टि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे लोग। उनको देखकर ही उनके तरफ खींचे चले जाते थे, उनके विचार सुनते ही उनके हो जाते थे। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद इनका व्यक्तित्व बहुत ही तेजपूर्ण था, कांतिपूर्ण मुखमंडल था उनका, और आकर्षक व्यक्तित्व था, और चुंबकीय दृष्टि से लोगों को वो प्रभावित करते थे। उनका रूप जितना भव्य और सुंदर था उतने ही वे सरल और विनम्र थे। देखिए उनको अपने ज्ञान का गर्व नहीं था, वो विनम्र थे और उनकी भाषा भी एकदम सरल थी। वे सभी को स्नेह और आदर देते थे। इतना बड़ा ज्ञान हासिल करने के बाद भी वो क्या थे, लोगों को आदर देते थे और प्यार देते थे। उनकी जो वाणी थी वो प्यार भरी थी और सभी के साथ आदर से रहते थे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि उनके बचपन के बारे में, बचपन में उनकी एक होशियारी कथा जब वो सुनाते थे अपने सहपाठियों को कथा भी सुनाते थे और सहपाठियों को कहानी भी सुनाते थे, और अध्यापक के सिखाने पर भी उनका ध्यान रहता था। तो एक साथ दो स्थानों पर जो ध्यान लगाने की क्षमता है उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से वो एक साथ दो जगहों पर ध्यान देते थे। अध्यापक भी उनके इसी गुण के कारण, इसी खूबी के कारण उनके ऊपर आश्चर्य व्यक्त करते थे। उसके बाद हमने देखा कि बालक का नाम क्या था, नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र, पर आगे चलकर लोगों ने उनका नाम क्या रखा, स्वामी विवेकानंद। उनके माता का नाम देखा, उनके जन्म के बारे में देखा कि 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के सिमला नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था
और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। इसके बाद हमने देखा कि उनका शिक्षण कहाँ पर हुआ, यह इसके बारे में हमने जानकारी ली है, और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में भी हमने इस पाठ में देखा है। तो जितना भी ये पाठ हमारा हुआ है आज इस वीडियो में, उतना आपको पढ़ना है, और जितने भी ये शब्दार्थ हुए हैं उनको आपको नोटबुक में लिखना है और उसको पठन करना है। तो आज बस इतना ही इस वीडियो के द्वारा हम देखते हैं, जो भाग रहा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।